हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसी ड्राई कचौरी, जो कि किचन में पड़े इंग्रेडिएंट से इजीली हम इसे बना सकते हैं और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए हम चटपटी कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। उसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मैदा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, इसे मैं डाल रही हूँ मैदे में मोयन के लिए। अगर तेल हम गरम करके डालेंगे तो कचौरी हमारी अच्छी खस्ता बनेगी, तो इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स हो जाने के बाद फिर हाथ से उसे हम अच्छे से मस लेंगे कि तेल अच्छी तरह से मैदा में लग जाए। जितने अच्छे से मोयन हमारा मैदा में लगा रहेगा, उतना ही खस्ता हमारी कचौरी बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे डो जैसा गूथ लेंगे। हमें बहुत सख्त भी आटा नहीं लगाना है और ना बहुत गीला लगाना है। नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही इसे हमें मसल के डो फॉर्म में बना लेना है। देखिए, इस तरह से हमें आटा गूथ लेना है। ये अच्छी तरह से हमने इसे गूथ लिया है। इसे अब हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक कचौरी में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया है मिक्सी जार, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कटोरी मिक्स फरसान। जो भी आपके घर में नमकीन हो आप उसे ले सकते हैं। इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी जार में। फिर उसी में डाल रही हूँ 1 चम्मच ये अखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच शक्कर, 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये भी आप ध्यान से डालें क्योंकि फरसान में भी नमक होता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर। फिर यहाँ पे मैं 2 चम्मच खट्टी मीठी खजूर, इमली और गुड़ की चटनी डाल रही हूँ। ये भी अगर आपके घर में ना हो तो आप इमली को भिगा के उसका पल्प डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बिना पानी डाले। अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इन मसालों के हम ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे कि हमें कचौरी में स्टफिंग भरते समय इजी पड़े, तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के पहले से रख लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से सभी बॉल हम तैयार कर लेंगे। सभी बॉल मैंने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब कचौरी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कचौरी की स्टफिंग तैयार करने तक देखिए हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और 1 मिनट अच्छे से मसल देंगे, और मसल देने के बाद फिर इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। लोइयाँ भी हमें ध्यान रखना है कि एक सेम जैसी हो, कि कचौरी देखने में अच्छी लगे, सेम साइज़ की सभी कचौरियाँ बने। सभी लोइयाँ मैंने तैयार कर लिया है। लोई भी हमें जो हम रोटी बनाते हैं उसका आधा ही हमें लोई बनाना है, छोटी छोटी ही लोइयाँ लेनी है। अब इसे हम अच्छे से मस लेंगे और उसके हम छोटी छोटी कटोरी जैसे शेप देंगे उसमें। शेप देने के बाद फिर उसमें हम ये जो हमने बॉल बना के रखा है उसे डाल के चारों तरफ से ऐसे पकड़ के उसे हमें सील कर देना है। अच्छी तरह से करना है कि तेल में कचौरी हमारी खुले नहीं। अच्छी तरह सील कर देने के बाद फिर से हम उसे गोल शेप दे देंगे। एक मैं आपको और बना के बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें लोई को बड़ा कर देना है कटोरी जैसा बना के। फिर उसमें हम बॉल रखेंगे और चारों तरफ से उसे ऐसे पकड़ के सील कर देंगे, और सील करके उसे हम अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से इसी तरह हम सभी कचौरी रेडी कर लेंगे। सभी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं इसे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था गैस पे। तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है। तेल गरम हो जाने के बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और उसमें कचौरी डाल देना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 5 से 6 कचौरी डाल रही हूँ। एक साथ हमें बहुत सारी कचौरी नहीं डालना है।
दो दो मिनट से इसे हमें ऐसे अलटते पलटते रहना है कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो और खस्ता बने हमारी कचौरी। तो इसे हमें ऐसे अलट पलट के फ्राई करना है और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कचौरी हमारी जल्दी ऊपर से कुक हुई दिखेगी लेकिन वो खस्ता नहीं बनेगी। तो इस तरह से इसे हमें फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ही देखिए कचौरी में हमारे कलर आने लगा है, अभी तक लाइट गोल्डन शेड आया है, इसे हमें थोड़ा और डार्क करना है। इसी तरह हम सभी कचौरियों को फ्राई करेंगे। ये कचौरी बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। कचौरी को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है, देखिए एकदम मार्केट जैसा ये लग रहा है। आप किसी को भी खाने के लिए देंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो अब इसे हम तेल में से निकाल देते हैं। बहुत ही खस्ता हमारी कचौरी बनी है, इसी तरह से हम बाकी भी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। रेडी है हमारी कचौरी, देखिए बहुत ही यम्मी बनी है, एकदम मार्केट जैसा लुक भी दिख रहा है। जो हम हल्दीराम के कचौरियाँ लाते हैं घर पे, सेम वही कचौरी हमने घर पे इजीली बनाया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना खस्ता बना है, देखिए बहुत ही यम्मी दिख रहा है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही साथ बेल का भी बटन ज़रूर दबा देना जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।